शिव शक्ति महिला मंडल ने किया रुद्राभिषेक। श्रवण मास पर चलेगा रुद्राभिषेक कार्यक्रम और सुनाई जाएगी शिवपुराण कथा। रामगढ़ कसारी भिखारी बाबा आश्रम स्थित शिव मंदिर में किया गया आयोजन। रामगढ़ कसारी भिखारी बाबा आश्रम स्थित शिव मंदिर में शिव शक्ति महिला मंडल द्वारा श्रावण मास के पहले दिन सोमवार से रुद्राभिषेक कार्यक्रम शुरू हो गया। इस दौरान समूचा शिव मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयकारे से गुंजमान हो गया। यह कार्यक्रम समूचे सावन माह तक चलेगा। इसके अलावा प्रतिदिन शिव पुराण कथा श्रवण कराई जाएगी। सावन माह के प्रथम सोमवार के दिन शिव शक्ति महिला मंडल की संरक्षिका सुशीला पाठक, वरिष्ठ अधिवक्ता पत्रकार राजेश कुमार पाठक, भिखारी भोले सेवा ट्रस्ट की उपाध्यक्ष चिंता मौर्य, शिव शक्ति महिला मंडल की बिमला देवी खुशबू मौर्य को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य राधाकृष्ण तिवारी ने रुद्राभिषेक पूजन कराया। भिक्षुक रमाशंकर गिरी उर्फ भिखारी बाबा ने बताया कि शिव शक्ति महिला मंडल की ओर से प्रतिदिन सावन माह कर माह भर रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन शिवपुराण कथा श्रवण कराई जाएगी। शिव शक्ति महिला अध्यक्ष कृष्णावती किरण मोदनवाल, उर्मिला देवी, कालो देवी, हीरा परमानंद, विवेकानंद सुखरा महाराज, राजेंद्र जी महाराज, मुन्ना महाराज, इंद्रपति पांडे आदि लोग मौजूद रहे और सभी भक्तों ने पूजन अर्चन किया। इस दौरान समूचा मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयकारों से गुंजयमान रहा। राम सुदीन की रिपोर्ट।
दिखाने बाबा को, जिनका नाम इंद्रा है उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं भाई। उनकी तो भाग्य है, उनकी भी भाग्य है कि साथ में दोस्तों, तो हमें साथ